दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है 25 के वीए जनरेटर में आप 1 टन का कितने एसी चला सकते हो। दोस्तों मार्केट में जितने सारे भी जनरेटर आते हैं इनका रीडिंग केवीए में होता है और एसी का रीडिंग जो है हमेशा टन में मापा जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको अपना जनरेटर पर कितने टन का कितने एसी चलाना है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। आप इस छोटी सी वीडियो को एक लाइक करके बिल्कुल एंड तक देखिएगा। दोस्तों जैसा कि जनरेटर का रीडिंग केवीए में होता है और एसी का रीडिंग टन में होता है, तो हमको सबसे पहले जनरेटर का केवीए को और एसी का टन को वाट में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि 25 केवीए का जनरेटर में कितने टन का एसी चलेगा। दोस्तों जनरेटर में 25 केवीए का मतलब तकरीबन 20,000 वाट होता है, यानी कि हमको ये जानना होगा कि 20,000 वाट का जनरेटर में 1 टन का कितने एसी चलाना होगा। दोस्तों सबसे पहले ये जानना होगा कि 1 टन का मतलब कितना वाट होता है। जैसा कि मार्केट में जितने सारे भी एसी आते हैं ये सब टन में होते हैं, तो हमको सबसे पहले टन को वाट में कन्वर्ट करना जरूरी है। दोस्तों ये टन का मतलब 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी होता है। यदि आपके पास 1.5 टन का एसी है तो इसका मतलब है आपके पास 1500 केजी का एसी है। इस 1500 केजी को हम शॉर्टकट में 1.5 टन बोलते हैं। बट दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हमारा एसी का वजन तो इतने होते नहीं, ये वास्तव में 15 से 20 केजी ओनली होते हैं, तो इसमें टन कहाँ से आ गया। दोस्तों आपको बता दे, इस टन का मतलब एसी का वजन नहीं होता है, इस एसी का टेम्परेचर को हम टन में मेजर करते हैं। दोस्तों जैसा कि पहले के टाइम पर एसी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम घरों को ठंडा रखने के लिए घरों में आइस का इस्तेमाल करके इस कमरा को कूलिंग रखते थे। 100 स्क्वायर फुट का रूम को ठंडा रखने के लिए 1 टन आइस का जरूरत पड़ता था। 1 टन आइस 12,000 BTU को खत्म करते हैं। और दोस्तों हमारा ये एसी भी इस BTU को खत्म करने का काम करता है, इसीलिए मार्केट में जितना सारे भी एसी आते हैं इनको आइस का टन में मेजर करते हैं। इस एसी के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे। दोस्तों एक BTU इज इक्वल टू 0.29307 वाट होता है। यदि हम 12,000 BTU इंटू 0.29307 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 3516 वाट। इसका मतलब है 1 टन एसी का पावर 3516 वाट होता है। अगर आपका एसी यदि 1.5 टन का है तो इसका मतलब ये 5274 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। रही बात इस जनरेटर में एसी चलाने की, तो ये 25 केवीए का डीजी 20,000 वाट का होता है और हमारा 1 टन का एसी 3516 वाट का होता है। तो आप यदि 20,000 वाट के साथ 3516 वाट को भाग लगा लोगे तो इसका आंसर आएगा 5.6, यानी कि आप इस 25 केवीए का डीजी में 1 टन का 5 एसी को इजीली चला सकते हो। आपका जनरेटर इजीली चला देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट दोस्तों हर एसी का अलग अलग रीडिंग होता है। जैसा कि आप यदि 5 स्टार 1 टन का एसी चलाओगे तो इसका मतलब 1500 वाट होता है, जिसकी वजह से आप इस 25 केवीए का डीजी में 13 एसी 5 स्टार का चला सकते हो। यानी कि दोस्तों जितने ज्यादा स्टार का एसी होते हैं इसका पावर कंज्यूम भी इतना कम होता जाता है। आपको देखना है कि आपका एसी कितने स्टार का है और इसकी हिसाब से आपको इस जनरेटर में लोड चलाना होगा। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस 25 केवीए का जनरेटर में 1 टन का कितने एसी चलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको एसी के बारे में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपका मन में यदि इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा।